हेलो, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ अमिश्रिका, और मैं आपकी मैथमेटिक्स पढ़ने में हेल्प करूँगी। तो मैं भी आप सबकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरे को टीचर ऑब्वियसली समझ के ही पढ़ना। टीचर समझ के पढ़ोगे तो ही ज़्यादा समझ में आएगा। पर अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आपके कोई भी फीडबैक्स हो, तो आप बहुत ओपनली इसे दे सकते हैं थ्रू कमेंट्स, या फिर आप इंस्टाग्राम पर #Instagram करके अपने डाउट्स या कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो इतनी सी बात है, और अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमने जो क्या पढ़ा था पिछली बार, सीक्वेंसेस पढ़ी थी हमने। क्या किया था सीक्वेंस में, हमने कुछ कन्वर्जेंस टेस्ट किए थे और कुछ स्पेशल ट्रिक्स वाली वीडियो भी की थी अलग से, जो कि कन्वर्जन टेस्ट की हटकर थी। कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा मिल जाते हैं, एग्जाम में या कोई भी एग्जाम, DU का दोगे, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, तो उसमें थ्योरी से ज़्यादा ना अगर आप कभी भी ध्यान दो तो कॉमन सेंस लग रही होती है। क्वेश्चन है ना बहुत ईजिली और शॉर्टकट में भी हो सकता है अगर आपकी कॉमन सेंस वो काम कर रही है। और इट्स नॉट टू बी ब्लेम्ड कि अगर आपसे उस वक्त क्वेश्चन ना हो, पर क्योंकि भी आपके पास काफ़ी टाइम है, जैसे DU वगैरह का एग्जाम आप ले लो तो उसमें भी काफ़ी टाइम है। अभी कुछ टाइम बाद है DU का एग्जाम है ना, और CMI ले लो जो साउथ वाली चेन्नई वाली यूनिवर्सिटी है, उसका जो एग्ज़ाम है वो होगा अराउंड लेट मार्च अप्रैल, तो सारे एग्जाम्स अभी थोड़ी लेट है, जैम हो गया। इसके बाद जो भी एग्जाम्स होंगे ना वो मार्च के एंड में, अप्रैल में, मई में तब होंगे। तो आपके पास इतना टाइम है कि अब आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी कर लो अपनी। एग्जाम के लिए आपने एक बार प्रिपेयर किया ही होगा, तो अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं की है तो प्रिपरेशन अच्छी करने का टाइम है, और अगर प्रिपरेशन नहीं की है तो 2 महीने बहुत होते हैं, स्टार्ट अगेन। जितना भी आता है कोई बात नहीं, स्टार्ट करो, जो बेसिक्स नहीं है स्ट्रॉन्ग कर लो उनको। और जो लोग 2020 या फिर फॉर फ्यूचर कमिंग ईयर्स के लिए प्रिपेयर करें, उनके लिए तो बहुत टाइम है। उनके लिए बेस्ट फ्री एडवाइस है, एक सिलेबस वाली वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। तो सिलेबस वाली वीडियो उसको अच्छे से देखो, सिलेबस को फॉलो करो, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। दूसरी बात है, ये जो बुक्स वाली वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे देखो और बुक्स देख लो कौन कौन सी आपको फॉलो करनी है। आपको जरूरी नहीं कि जो बुक्स मैंने बताई है वही फॉलो करनी है, कोई और भी फॉलो कर सकते हो, जो आपकी टीचर बताए हो या फिर जो आपने BSc में पढ़ी हो। बेसिक बात है कि वो टॉपिक्स कवर होने चाहिए, वैसे टाइप के क्वेश्चन कवर होने चाहिए। और तीसरी बात है, जैसे जैसे आप एक टॉपिक कवर करते जा रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप उस टॉपिक्स के पास्ट ईयर में से क्वेश्चन उठाओ और बिना आंसर देके सॉल्व करो, ठीक है? तो ये फ्री एडवाइस है, कुछ काम आएगा रख लो, क्योंकि मैंने भी जैम दिया तो इसलिए मैं जो एडवाइस दे रही हूँ जायज़ सी बात है, वो काम आना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदे को पता होता है, काम आएगा, रख लो यार। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ स्पेशल ट्रिक्स पढ़ी थी, उसके ऊपर ना जैम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो मेरा मन किया कि मैं आपको शेयर करूँ कि हम जो ट्रिक्स पढ़ते हैं उस पर क्वेश्चन आता है जैम में। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो कि मैं जो पढ़ाती हूँ सही है, उस पर क्वेश्चन आते हैं, रिलायबल ना लग रही बात, तो दिखा देते हैं क्वेश्चन आया था। हमने पिछली वीडियो में या फिर ट्रिक्स वाली वीडियो में हमने एक फॉर्मूला किया था, n+1 bn+1 upon an+bn। अगर ये सीक्वेंस है और इसमें क्या गिवन था कि an एंड bn दोनों पॉजिटिव सीक्वेंसेज है, दोनों, ठीक है, और यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a। तो हमने बहुत इजीली इसको प्रूव कर दिया था कि इसकी लिमिट कहाँ पर जाती है, b पे जाती है, n की बड़े वाले पॉजिटिव टर्म पर जाती है। तो डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आया था, एग्जाम का एज क्वेश्चन है, इसकी लिमिट बताओ, तो बता दो, MCQ में था। तो क्या आएगी लिमिट, हमें पता है कि ये भी क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, और हमें पता है कि यहाँ पे b ग्रेटर देन a वही लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, 3, और ऑप्शन में कहीं पर एक 3 भी था, मान लो कि ये था 1 2 3 4, तो 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत इजीली निकल गया, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा ना तो आपको देखते ही टाइम बच गया ना, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वरना ये इतना मुश्किल नहीं कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओ, पर देखते ही टाइम बच गया। और डेफिनेशन लगाना ना कभी कभी दिमाग नहीं आता, ये हमने डेफिनेशन से प्रूव किया था, तो क्या पता कभी कभी दिमाग में ना आए। तो अब पहले अगर आपने करा होगा ये सब तब से अच्छे से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देख लिया, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना। हमने 2 टेस्ट किए थे कन्वर्जेंस टेस्ट में, एक तो किया था Cauchy 1 टेस्ट और एक Cauchy 2। अब हम देखेंगे अगला टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, स्क्वीज। इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं, टेस्ट कह लो आप, थ्योरम कह लो, सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको माउस ट्रैप भी कहते हैं, सैंडविच की स्पेलिंग देखी मैं यार, जो भी होती है, या फिर इसकी जगह माउस ट्रैप थ्योरम भी कहते हैं। सबका मतलब एक ही है कि हम ट्रैप कर रहे होंगे किसी चीज को, आपको पता चल जाएगा अभी कुछ सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात है, ये थ्योरम क्या कहती है कि an अगर एक सीक्वेंस है जो कि लाई कर रही है bn और cn के बीच में, n कैसी एक सीक्वेंस है जो कैसे लाई करी है bn और cn के बीच में, ठीक है, नॉर्मली सीक्वेंस लाई कर गई,
और अब हम अगर लिमिट सी एन की निकालें, लिमिट का मतलब मैंने आपको बताया था लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे बार बार एन टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लिखूंगी, तो हम शॉर्टकट में ऐसा मान रहे हैं, अभी लिख देती हूँ, अगली बार से नहीं लिखूंगी, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, अगर ये एल आ रही है और ये भी एल, दोनों इक्वल आ रही है, तो हम क्या कर पाएंगे, दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज एल, यानी कि इफ अगर ऐसी वाली कंडीशन है एंड इफ दोनों लिमिट्स इक्वल आ रही है, तो हम क्या क्या पाएंगे कि इसके बीच में जो सीक्वेंस ट्रैप हो रही है उसकी लिमिट भी क्या आएगी, वही आ जाएगी। सिंपल से एग्जांपल देखते हैं, आपने बहुत बार पहले ही पढ़ा होगा, बीएससी में ही पढ़ा होगा और शायद ट्वेल्थ में भी कुछ लोगों ने इसको यूज किया होगा, तो आई डोंट थिंक आपके अनफेमिलियर है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, तो जिनकी अनफेमिलियर होगी उनको भी फेमिलियर हो जाएगी। तो सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब है ये वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन का अंडर रूट सबका। अब हमें बताना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, कन्वर्ज करती है तो कहाँ जाएगी ये सब। तो कन्वर्जेंट टेंस लगा सकते हैं आप, है ना, देखते हैं कन्वर्ज कर रही है नहीं कर रही है। तो इस सीक्वेंस को हम एन नाम दे दें, एन मतलब कि ऑब्वियसली सीरीज है, ये कह रहे हैं हम इसको, तो हमने इस पूरे को एक बार बी एन नाम दे दिया, ठीक है। तो हमने कहा कि बी एन अब किसके बीच में लाई कर सकती है। अब आप एक बात बताओ, इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है, आपको ये बात पता है कि अगर 1 बाय 3 और 1 बाय 7 है तो दोनों से छोटा कौन सा है। अगर न्यूमिनेटर सेम हो तो छोटा टर्म कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो तो यह टर्म छोटा होगा। तो अगर मैं ऐसी इसमें बात करूं, तो एन स्क्वायर प्लस टू, एन स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, तो सबसे बड़ा टर्म ये होगा। यहाँ पे हम अगर और आगे जाते जाएं तो आप देखोगे टर्म जो है वो छोटा होता जा रहा है, तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, ये वाला। इनकी अगर मैं पूरी सीक्वेंस की बात करूं तो वो इससे कम होगी, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ये वाली टर्म है वो तो इसके बराबर ही है कि नहीं, ये तो इसके बराबर ही है, तो लेस देन इक्वल टू मतलब बराबर वाला सेटिस्फाई करी है। अगर मैं ये वाली टर्म बताऊं तो ये हमेशा छोटी किससे होगी, इससे छोटी होगी ना ये, है कि नहीं, ये वाली छोटी है इससे, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका कैसा है, बड़ा है। ऐसे अगर हम करते जाएं तो सारी टर्म्स हम देख पाएंगे कि इस टर्म से छोटी होगी, तो ये पूरी सिग्मा इन पूरे सम से छोटी हो गई। अभी कितनी बार सम करेंगे हम, वन से लेकर एन टाइम्स सम किए, तो पूरा सम एन टाइम्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन टाइम्स एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। सिमिलरली हम दिखा पाएंगे कि ये जो बी एन सीक्वेंस है ना, ये एन टाइम्स एन स्क्वायर प्लस वन से छोटी है, और सबसे छोटा टर्म कौन सा है इसमें, जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा बड़ा, तो ये एन टाइम्स एन स्क्वायर प्लस एन से बड़ी होगी। ये हमने ड्रॉप कर लिया एक तरीके से, हमने सीक्वेंस को जिसकी हमें लिमिट चेक करनी थी, निकालनी थी, उसको दो सीक्वेंसेस के बीच में ड्रॉप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे। हमें ना सीरीज से ज्यादा सीक्वेंस से डील करना आसान लगता है, इसलिए मैं जान कैसा की है। अब दोनों साइड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, आप दोनों साइड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको एल हॉस्पिटल यूज से सॉल्व करेंगे, मान लेते अलग अलग चीजें, तो लिमिट सी एन निकालते पहले। तो एल हॉस्पिटल क्या कहते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, एन का डिफरेंशिएशन वन, या फिर एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत नहीं, डिवाइड कर दो एन से ऊपर नीचे, ठीक है। तो एन ऊपर नीचे डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन बाय एन, ये आ गया। और ऐसी लिमिट डी एन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर दो, वन अपॉन वन प्लस वन बाय एन स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दी हमने, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, वन पे, और ये भी कहाँ जाएगा, वन पे, क्योंकि ये भी वन पे जा रही है और ये भी वन पे जा रही है, तो इसके बीच वाली भी कहाँ जाएगी, वन पे। तो एक कन्वर्जेंस टेस्ट भी हो गया एक तरीके से, हमने टेस्ट कर लिया कि सीरीज कन्वर्ज करती है ये वाली, और हमने उसकी लिमिट भी निकाल ली। तो ये सबसे आसान और प्यारा सा होता है। तो कोई भी ऐसी टर्म्स लिखे ना जिसको आप देखो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, और आप देख पा रहे हो कि वो ऐसे टर्म्स का सम है जिसको हम छोटा और बड़ा कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका न्यूमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर कंपेयर कर पा रहे हैं, ज्यादातर डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को ही कंपेयर कर पा रहे होंगे, तो ऐसी स्क्वीज थ्योरम लग जाएगी। बहुत आसानी से लग गई, कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे हम, ऑब्वियसली ऐसा तो हम करते ही हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आए हुए हैं हमारे,
तो देखते हैं वाला एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जो एन टर्म है वो कैसे गिवन है, एन फैक्टोरियल अपॉन वन बाई एन स्क्वायर. तो अगर हमें देखना है कि ये कन्वर्ट्स करती है नहीं करती है, तो कैसे चेक करेंगे? आप कोई और टेस्ट लगाने की कोशिश करो, कॉशी फर्स्ट टेस्ट लगाने की कोशिश करो, तो हम नहीं लगा पाएंगे. उसमें हमें क्या चाहिए होता है कि कुछ एन टर्म्स ऐड हो रही हो और डिवाइड हो रही हो एन से, वो नहीं लग रहा है. कॉशी सेकंड टेस्ट लगाने की कोशिश करो. अगर आपको दोनों टेस्ट नहीं आते हैं तो मेरे को ऐसे मत देखो, जाके दूसरी वीडियो से कॉशी के टेस्ट देखाओ या फिर कहीं बुक से पढ़ लो, आपके पास ऑप्शन है, या तो वीडियो से देख लो ताकि आपको जो मैं बोल रही हूँ समझ में आए. ठीक है, तो कॉशी फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट इस पर हम नहीं लगा पाएंगे. तो फिर हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे इस पर, हम लगाएंगे इस पर स्क्वीज थ्योरम. अब कैसे लगाएंगे, आप सबको पता है क्या कि एन फैक्टोरियल जो होता है ना वो हमेशा वन से बड़ा होएगा. अब देख लो, एन मतलब कोई भी नंबर जीरो से लेके, वैसे एन मतलब नेचुरल नंबर होता है तो वन से स्टार्ट होता है, पर आप अगर जीरो भी लोगे ना तो भी जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है. तो कोई भी फैक्टोरियल है वो हमेशा वन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, पक्की बात है. अब आप एक बात बताओ, एन क्या एन से लेस देन इक्वल टू है? हाँ इक्वल टू है ना, तो लेस देन इक्वल टू लिखने की बात है. अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई करूँ, मैं यहाँ पे एन मल्टीप्लाई करूँ, तो एन माइनस वन तो एन से पक्का छोटा होता है, तो ये पूरा प्रोडक्ट पक्का इन दोनों से छोटा होगा, पक्की बात है. ऐसी में अगर मल्टीप्लाई करती जाऊँ तो हम आराम से देख पाएंगे कि एन फैक्टोरियल हमेशा किससे छोटा होगा, एन रेशियो बाय एन. ये तो एन स्क्वायर था, दो बार किया तो एन स्क्वायर, ऐसे एन टाइम्स अगर कम होते हैं एन फैक्टोरियल बन जाएगा. तो हम देखेंगे किससे कम होता है, एन रेशियो बाय एन से कम होता है. तो हमने क्या कर दिया, इसको ट्रैप कर दिया दो टर्म्स के बीच में, पर ये माई रिक्वायर्ड वाली सीक्वेंस तो नहीं है, तो इसको सीक्वेंस बना दो, वन बाय एन स्क्वायर से तीनों साइड क्या कर दो, पावर ले लो. तो वन अपॉन वन बाय एन स्क्वायर लेस एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन वन बाय एन स्क्वायर लेस एन इक्वल टू एन रेज़ पावर एन अपॉन वन बाय एन स्क्वायर. ठीक है, अब देखो वन अपॉन वन बाय एन स्क्वायर क्या होगा, वन ही रहेगा, वन की तो कोई मर्जी पावर कर दो वन ही रहता है जब तक वो इन्फिनिटी ना हो. अगर यहाँ पे आप एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे ना तो वन बाय इन्फिनिटी होगा, यानी कि वन रेज़ पावर जीरो हो जाएगा, तो वन की पावर जीरो यानी कि वन ही रहेगा. जब तक वन रेज़ पावर इन्फिनिटी ना हो उसे हम इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं कहते, पर इसको कहते हैं वन. अगर कोई भी एन है, कोई भी एन है चलेगा, पर अगर वन रेज़ पावर इन्फिनिटी है तो वो वन नहीं होता है, वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है. उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूंगी. ठीक है, पहले इस पर ध्यान देते हैं. तो यहाँ पे वन रेज़ पावर इन्फिनिटी नहीं हो रहा है तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि वन ही आ गई लिमिट, क्योंकि वन रेज़ पावर जीरो तो वन ही आएगी. अब यहाँ पे इसको, ये तो वही हमारी जो सीक्वेंस है, इसका थोड़ी देर के नाम एन रखा ही हुआ है, चलो एन लिख दिया यहाँ पे. और इसको अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन रेज़ पावर वन बाय एन. अभी दो सीक्वेंस बीच में ट्रैप हो गई है, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए वन बाय एन स्क्वायर ही रहने दूं, तो इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट निकालो. हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट वन रेज़ पावर वन बाय एन स्क्वायर एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन इन्फिनिटी पे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, वन रेज़ पावर जीरो यानी कि वन आ गया. मैंने आपको बताया था कि अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो एन की वैल्यू कभी इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं होगी, पर हम सॉल्व करने के लिए इन्फिनिटी उस जगह पे रख के देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है. यहाँ पे इन्फिनिटी रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो हम ऐसा कर सकते हैं. जब तक इंडिटर्मिनेट फॉर्म ना बन रही हो हम डायरेक्टली लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, सच में दिस इज अ रूल. आप आगे क्वांटिटी वगैरह पढ़ोगे, फंक्शन अवेलेबल सब पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये बात बिल्कुल सही है. तो अभी आप इस बात को ऐसे याद रखो बिना रूल्स के. अब इसकी लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एन रेज पर वन बाय एन एन टेंस टू इन्फिनिटी. तो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, इसकी लिमिट हम निकालेंगे कॉशी सेकंड टेस्ट से. तो आप इसकी लिमिट अगर कॉशी सेकंड टेस्ट से निकालोगे तो वन आएगी, हमने पिछली वीडियो में निकाली हुई है, दोबारा बता देते हैं भाई. तो एन रेज पर वन बाय एन है, हमने क्या कहा था कि कॉशी सेकंड टेस्ट क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की लिमिट एल पे जा रही है, ऑब्वियसली एन टेंस टू इन्फिनिटी तो वो एल पे जा रही है, इसका मतलब है कि ए एन रेज टू पावर वन बाय एन की लिमिट भी कहाँ जाएगी, एल पे जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या है हमारी, एन ले लो, एन वन बाय एन, यानी कि हम यहाँ पे एन क्या बन गई, एन बन गई, एन प्लस वन अपॉन एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन प्लस वन अपॉन एन. अगर हम इसे एन टेंस टू इन्फिनिटी करें तो ये कहाँ जाएगी, वन पे जाएगी. तो ऑटोमेटिकली एन रेज टू पावर वन बाय एन भी कहाँ जाएगी, इस थ्योरम से वन पे जाएगी. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी वन पे जा रही है, ये भी वन पे जा रही है, तो बीच वाली सीक्वेंस भी कहाँ जाएगी, वन पे जाएगी, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था वो कहाँ जा रही है, वन पे जा रही है. इनकी कन्वर्जेंट है ये भी चेक कर लिया हमने, और साथ ही में इसकी लिमिट भी निकाली. कन्वर्जेंट आ गई तो पक्की बात है ना, अगर लिमिट आ गई तो हमने देख लिया कि वो कन्वर्जेंट आ गई, तो स्क्वीज थ्योरम में एक टेस्ट का काम भी करती है और साथ में लिमिट भी निकल जाती है. ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब जो अगला एग्जाम्पल है ना वो काफी मस्त है, मतलब आप उसको अगर वैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे कोई और टेस्ट लगा के तो थोड़े कष्ट में पड़ जाओगे.
और आप कष्ट में पड़ सकते हो, गलती कर सकते हो, ऐसे बताती हूँ क्या गलती कर सकते हो। तो हमारे पास अब एक सीक्वेंस गिवन है, ये सीक्वेंस गिवन है, हमें बताना है कि इसकी लिमिट क्या आएगी, यानी कि उसने कह दिया कन्वर्जेंट है, बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी। इसमें स्क्वीज थ्योरम का यूज करने वाले हैं, पर आप सोचो कोई और थ्योरम लगा सकते हैं कि इस पे आप अगर दिमाग लगाओ तो आप शायद, अगर आपको कॉची फर्स्ट थ्योरम ठीक से याद हो तो आप उसे कन्फ्यूज कर सकते हो। कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, साइड टर्म्स को प्लस करके डिवाइड बाय एन हो तो हम लगा सकते हैं, और तो भी तब लगा सकते हैं जब जो साइड टर्म्स हो ना वो एन से इंडिपेंडेंट हो एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म। पर ऐसा तो इसमें नहीं है, इसमें तो हर टर्म में एन है और एन से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, रेस्ट बाय वन बाय एन है, तो इसमें कॉची फर्स्ट थ्योरम लगाने की गलती मत करना। और आप मतलब ऑफेंड मत होना मैं जो बोलती हूँ गलती, वो गलती मैंने करी थी, मेरे आसपास वालों ने की थी और हमें किसी ने पॉइंट आउट किया था, तो मैं सिंपली आपको बता रही कि वो गलती मैंने की थी, आप मत दोहराना, और कोई बात नहीं है। तो ये है, और हमें इसकी लिमिट निकालनी है। चलो इसको एन को बीच में लिख दो, कोशिश करते हैं इसको ट्रैप करने की, कोई और टेस्ट तो इस पर नहीं लग रहा है, तो बच्चा हमारे पास स्क्वीज थ्योरम का टेस्ट, तो कोशिश करते हैं कि ये लग जाए। अभी वन बाय एन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि वन बाय एन ये साइड टर्म्स जो है ना, ये साइड टर्म पॉजिटिव टर्म में इनका सम कर रहे हैं, तो अगर मैं इन साइड टर्म्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर है तो पक्का सबसे बड़े टर्म से तो बड़ा ही होगा ना, क्यों बड़ा है, क्योंकि सम ही तो कर रहे हैं, सम कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो पक्का फोर से बड़ा होने वाला है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, फोर इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो ऐसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इन पॉजिटिव टर्म का सम है, मैं सबसे बड़ा टर्म यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, छोटा तो रहेगा ये ऑब्वियसली क्योंकि सम है, बाकी नंबर सबने हटा दिए इसमें से, ठीक है। बाकी टर्म्स की जगह मैं जीरो लिख दूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि ये जीरो प्लस इससे बड़ा है, सही बात है, जीरो प्लस इससे बड़ा है, सही बात है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे जीरो कितनी बार लिख रही हूँ, 2018 बार, तभी तो कोई टर्म बनेगी ना, 2019 टर्म्स चाहिए हमें, बन गई है, तो हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस मिल गई जो इससे छोटी है, बिल्कुल सही बात है, मिल गई। अब हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस चाहिए जो कि इससे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम दो अब 2019 रेस पर एन इससे बड़ा है, इसके हर टर्म से बड़ा है, तो हम एन टाइम 2019 टाइम से ही लिख देंगे, तो हम लिख देंगे 2019 रेस पर एन, कितनी बार लिखेंगे, एन टाइम्स लिख देंगे, जितना भी हमारे पास एन है, ठीक है। अब हमारे पास हमने अपनी सीक्वेंस को दो सीक्वेंस के बीच में बाउंड कर लिया, अगर मैं जीरो हटा दूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना, ठीक है, तो हमने हटा दिया, ये बन गई हमारी सीक्वेंस। हमें क्या चाहिए, रेस्ट पर वन बाय एन चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, रेस्ट पर वन बाय एन ले लेंगे, अपनी डिजायर सीक्वेंस तो बनानी होती है ना हमें, तो हम बनाएंगे, कोई रोक के दिखाए। अब हमें पता है कि अगर हमें इसकी लिमिट निकालनी है तो हम क्या देखेंगे कि जो उसकी लोअर वाली है साइड, लोअर बाउंड है, जो उसका अपर बाउंड है, दोनों सेम लिमिट पर कन्वर्ज करनी चाहिए, तो देखते हैं इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2019 रेस्ट पर एन वन बाय एन, एन से एन कैंसिल, अब एन टेंशन वीडियो जहां मर्जी भेज रहा है, इन तो इसमें बचा ही नहीं है, पक्का 2019 पे जाएगी, है कि नहीं, इसको देखते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2019 रेस पर एन इन टू एन, रेस पर वन बाय एन है तो यहाँ पे वन बाय एन हो जाएगा, यहाँ पे वन बाय एन हो जाएगा, ये तो क्या बच गया 2019, और ये बच गया एन रेस पर वन बाय एन। और हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हम इस पर लिमिट लगाएं तो लिमिट डिवाइड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट 2019 इन टू लिमिट एन रेस पर वन बाय एन टेंस इन्फिनिटी एन टेंस इन्फिनिटी, तो यही लिमिट तो 2019 पे जाएगी, और ये कहाँ जाती है, अभी देखा था हमने कि ये वन पे जाती है, तो अल्टीमेटली ये वाली सीक्वेंस भी 2019 पे जा रही है, ये भी 2019 पे जा रही है, तो ये पूरी कहाँ जाएगी, 2019 पे जाएगी। तो इसका मतलब जो ये पूरी सीक्वेंस है, ये सबसे बड़े वाले टर्म है ना उस पे जाती है। तो इसकी जगह अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, दिखाती हूँ कैसा, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो क्वेश्चंस है ना आपको पेपर में ऐसे बिल्कुल मिल जाएंगे, जो सिर्फ आपको बता रहे, तो क्वेश्चन अगर ऐसा हो, वन रिश पर कुछ अच्छा बनाते हैं, थ्री रिश पर एन प्लस फाइव रिश पर एन प्लस सेवन रिश पर एन प्लस नाइन रिश पर एन, ये क्वेश्चन है हमारे पास, रिश पर वन बाय एन, तो बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी, तो दिमाग लगाते जाओगे, अगर स्क्वीज थ्योरम नहीं लगाओगे तो लिमिट नहीं आएगी, पर हमने तो स्क्वीज थ्योरम भी लगा दिया और हमें पता चल गया
किसके लिमिट क्या आती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना वही आ जाती है, तो इसकी लिमिट क्या आ जाती है 9 आ जाती है। सबसे बड़ा नंबर में यहाँ पे कुछ और लगा रही थी 90 लगा रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाती है 90 आ जाती है। तो डायरेक्ट हमें ये आंसर पता चल गया और ये तो याद भी रहेगा, भूलने वाली बात ही नहीं है। देखो ऐसा है, अगर आपको कंसेप्ट आ गया और अपने कंसेप्ट को इतनी प्रैक्टिस करी कि आपको आंसर याद हो गया तो ठीक है, अगर डायरेक्टली कंसेप्ट की जगह सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर अटके जाओगे ना, सही नहीं है, नंबर नहीं आएंगे। अगर आपका पेपर ना एक हफ्ते बाद भी है तो भी ऐसा मत करो, पेपर में जाके सब भूल जाओगे, अपने साथ तो ऑनेस्ट रहो कम से कम। तो ऐसा बिल्कुल भी जिंदगी में कभी मत करना, आंसर्स रटने नहीं होते, आपको कंसेप्ट इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि आंसर याद हो जाए अलग बात है, आंसर रटने नहीं है। आपको बताया मेथड क्या है और अब आपको देखते ही पता चला है कि हमने इस पे स्क्वीज फ्रेम लगाई थी तो इसमें सबसे बड़े टाइम है वही आंसर आ जाता है, तो ठीक है। तो आपको मेथड पता होना चाहिए, अगर आपका एक हफ्ता रहेगा ना एग्जाम में तो भी रटो मत, तो भी बेसिक करके जाओ, सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, सारे कंसेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ बेसिक करके जाओ, कभी भी आंसर रटने की जरूरत नहीं होती। तो हमने आज का देखा, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट देखा हुआ है स्क्वीज टेस्ट, इसके अलावा ना एक और टेस्ट होता है जिसको सिज़ारोस टेस्ट भी कहते हैं, जो मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन में देखा नहीं है, तो मैं उसको आपको कोई क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगी, मैंने किसी क्वेश्चन में से देखा नहीं, पर बाय चांस वैसा कोई क्वेश्चन आए और आप रिलेट कर पाओ तो वही लगा लेना, थ्योरी भी तुम्हें ट्रू रिजल्ट है कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाए बी एन माइनस टू एन सो एन प्लस एन इंटू बी वन डिवाइडेड बाई एन, जहां पे एन ए कन्वर्जन सीक्वेंस जो एल वन पे जा रही है और बी एन ए कन्वर्जन सीक्वेंस जो एल टू पे जा रही है, तो ये पूरा कहाँ जाएगा, ये जाएगा L1 into L2 पर, ये होता है ट्रू रिजल्ट है, इसी को सिज़ारोस थ्योरम कहते हैं। कैसे आया और इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है आपको नहीं बता पाऊंगी, प्रूफ की तो आपको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब इस लेवल पे आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, जब एमएससी में जाओगे तो आप देख लेना प्रूफ, पर उसके अलावा इसे कहाँ यूज करना है ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को दिखा नहीं, आपको दिखेगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, पर ज्यादातर ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, पर थ्योरम पता होने में कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हर बार वो कुछ नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो क्या पता कब काम में आ जाए, और ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है तो पता होनी चाहिए। आज हमने देखे कुछ और बेसिक टेस्ट और सीक्वेंस एंड सीरीज ना रियल एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने इसमें कमांड हासिल कर लिए तो आपकी एनालिसिस बहुत ईजिली हो जाएगी, और आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती है, लगभग 50%। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40-45 नंबर का रियल एनालिसिस आराम से आ जाता है, आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लो, कम से कम पिछले 3-4 साल से तो आराम से ऐसा हो ही रहा है, तो रियल एनालिसिस तो मेजर पार्ट बन रहे हैं, तो जो मेजर पार्ट बन रहा है वो ज़्यादा अच्छे से करो ताकि बाकी सब्जेक्ट्स अगर आप कम अच्छे से भी करो तो भी आपका हो जाए, पढ़ना सब कुछ अच्छे से है पर आप देखो ना कि किस तरीके से आप नंबर ला सकते हो, है ना। तो रियल तो भाई कर लो, अच्छे से कर लो, और रियल तो मेरे को प्यारी लगती है तो मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, कोई भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन में भी कोई डाउट आ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक क्वेश्चन की फोटो खींचो भेजो मेरे को, मैं जवाब दूंगी, बाकी सब चीज़ों के जवाब शायद ना दूँ पर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी मैक्सिमम एक दिन के अंदर, वैसे मैं ज़्यादातर इतनी देर भी नहीं लगाऊंगी पर एक दिन के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मुझे पढ़ने वाले बच्चे बहुत पसंद है, नॉर्मल बच्चे भी पसंद है ठीक है, पर अगर आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो ना, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कर रहे हो, आपका कुछ एम है, कुछ भी एम है आपको, कुछ करना है ज़िंदगी में, खुद को प्रूव करना है, तो आई एम विद यू, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आई हेल्प यू।